हाय एवरीवन फ्रेंड्स, अगर स्नेक्स की बात की जाए तो स्नेक्स दुनिया की अनप्लेजेंट क्रिएचर्स में से एक हैं, जिनसे हर कोई को सो दूर रहना पसंद करता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि हमारी जमीन पर कुछ ऐसे सांप भी रहते हैं जो कि डायनासोर से भी ज्यादा टेरिफाइंग हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट वेनम स्नेक से लेकर एक ऐसा स्नेक जो कि 12.5 माइल पर आवर की स्पीड के साथ क्रॉल कर सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर आप 10 ऐसे सांपों के बारे में जानोगे जो कि डायनासोर भी ज्यादा टेरिफाइंग लगते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इट ऑन। टाइटेना बुआ, ये स्नेक जो कि ट्रांसलेशन है टाइटैनिक बोआ की, हमारे जहन में ये स्नेक कोई भी डाउट नहीं छोड़ता कि ये किसी डायनासोर से बहुत डरावना है, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट प्रेडेटर रह चुका है, जो कि डायनासोर के खत्म हो जाने के बाद भी 1 करोड़ साल तक हमारी जमीन पर पाया जाता था। इसे आज तक का सबसे लंबा सांप भी माना जाता है। इसके फॉसिल्स को नॉर्थ ईस्टर्न कोलम्बिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, जो कि जाहिर करते हैं कि ये सांप 50 फीट तक ग्रो कर सकता था और इसका वेट 2500 पाउंड था। अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका का रहायशी था, जिसकी खुराक के अंदर बड़े साइज के कछुए और क्रिकेटल मोर्फा जैसे जानवर शामिल थे। कुछ लोगों के लिए तो ये बिलीव करना भी बहुत मुश्किल बात है कि ये कितना लार्ज था। सो इस स्नेक का एक मॉडल तैयार किया गया है जो की 48 फीट लॉन्ग है। इस मॉडल को 2012 के अंदर न्यूयॉर्क में पेश किया गया था और ये सच में देखने में बहुत शॉकिंग है। स्पिटिंग कोबरा, स्पिटिंग एक कॉमन थिंग है जिसे हम सभी परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्पिटिंग कोबरा के मैटर में ये लाफिंग मैटर नहीं है। ब्लैक नेक्ड स्पिटिंग कोबरा जो कि एक सब सहारन स्नेक है, ये 7.2 फीट तक ग्रो कर सकता है। इनके कलर एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। ये सांप सुकून से कोसों दूर होते हैं और किसी भी चीज के इनके करीब जाने से इनमें खुदबूसी पैदा हो जाती है। हम ये तो रिपोर्ट करते हैं कि ये ह्यूमंस को नहीं खा सकते, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये इंसानों के लिए डेंजरस नहीं है। ये स्नेक 23 फीट डिस्टेंस से अपना जहर पानी की शक्ल में किसी भी इंसान के ऊपर फेंक सकते हैं। ये एक किस्म का न्यूरोटॉक्सिक विनम होता है जो कि हमारी स्किन के लिए इरिटेटिंग साबित हो सकता है, जो कि बायस बन सकता है ब्लिस्टिंग और इन्फ्लेमेशन का। अगर इसका विनम किसी की आंखों में चला जाए तो वो शख्स मुकम्मल तौर पर अंधा भी हो सकता है। अगर आप इन्हें अकेला छोड़ेंगे तो ये आपको भी अकेला छोड़ेंगे। बट अगेन, इन सांपों को छेड़छाड़ जरा भी पसंद नहीं है। सो इनसे जितना दूर आ जाए भाई उतना ही अच्छा है। ग्रीन एनाकोंडा, बहुत कम से ना होने के बराबर ये सबूत मौजूद हैं कि ग्रीन एनाकोंडा के मेन्यू के अंदर ह्यूमंस शामिल हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये एक स्कैरी स्नेक नहीं है। हाउएवर, अनलाइक डायनासोर्स, ये अभी तक हमारी जमीन पर मौजूद हैं और ये स्नेक बहुत ह्यूज है। ग्रीन एनाकोंडा की लेंथ 17 फीट तक हो सकती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि ये 40 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। उन लोगों के लिए कैश रिवॉर्ड रखा गया है जो की 30 फीट अबव से ग्रीन एनाकोंडा को ढूंढ दे। अगर इनके वेट की बात की जाए तो ये 154 पाउंड्स हैवी होते हैं और ये नंबर ऑन एवरेज है। इनकी बॉडी का कलर ऑलिव ग्रीन होता है जिसके ऊपर ब्लैक ब्लॉचेस बनी होती हैं। ग्रीन एनाकोंडा साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। ये स्नेक एक्सीलेंट स्विमर है जो की स्ट्रीम्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर स्विम करता रहता है। ये स्नेक्स किसी भी चीज को खा सकते हैं जिनके अंदर मछलियों से लेकर परिंदे और रेप्टाइल्स से लेकर मैमल तक आते हैं। इनकी लार्ज फीमेल्स स्मॉल मेल्स को खाती हैं। यकीनन अगर आप इसे कहीं देखेंगे तो आप वहां से फौरन से पहले ही भाग जाएंगे, और करना भी ऐसे ही चाहिए। फेंट बेंडेंड सी स्नेक, ये स्नेक जिसका नाम फेट बेंडेंट सी स्नेक है, ये सिर्फ 40 इंच तक ग्रो कर सकते हैं। इसे एक्सट्रीमली वोनम स्नेक माना जाता है। इसे बेल्चड सी स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्नेक भी काफी एनोइंग है। इन स्नेक से सबसे ज्यादा खतरा फिशरमैन को होता है। जो लोग समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं उनके लिए ये स्नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात जब वो पानी के अंदर नेट फेंकते हैं तो उनके बोर्ड के ऊपर मछली की जगह ये सांप आ जाते हैं। इनके जहर
फ्लैट से न सिर्फ आधे घंटे में मौत हो जाती है बल्कि इस आधे घंटे के अंदर भी बहुत सारी अलामत जाहिर होती हैं, जैसे कि नौया, वोमिटिंग, माइग्रेन्स, एब्डोमिनल पेन एंड किडनी फेलियर वगैरह। इस सांप के काटे जाने पर जल्दी इलाज न करने से बहुत जल्द इंसान की मौत वाकई हो जाती है। जहाँ पर ये स्नेक पाया जाता है वहाँ पर फिशिंग और भी डेंजरस है। द किंग कोबरा। किंग कोबरा को दुनिया का लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक माना जाता है, जो कि एब्सोल्यूट टेरिफाइंग है। ये इसलिए भी टेरिफाइंग है क्योंकि ये अभी तक ना पैद नहीं हुआ। किंग कोबराज 12 टू 18 फीट तक ग्रो कर सकते हैं। ये आपको देखने को मिलते हैं इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया के फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर। डेफिनेटली आपको इन पार्ट्स का कभी भी विजिट नहीं करना चाहिए जहाँ पर ये मौजूद हूँ। जब ये खतरा महसूस करते हैं तो ये एक चौथाई जिस्म के हिस्सा को जमीन के ऊपर उठा लेते हैं और तेजी से उस चीज को काटने को दौड़ते हैं। इनकी हिसिंग फेरोसिटी किसी ग्रोलिंग डॉग की तरह है, जिसका मतलब है आपको इसके कभी भी नजदीक नहीं जाना चाहिए। इस सांप का जहर गजब का कातिल है। अपनी ये एक बाइट से किसी बड़े हाथी को भी मार सकता है, जबकि इसकी एक बाइट के अंदर इतना जहर होता है कि इससे 20 लोगों की जान जा सकती है। इट इज सो टेरिफाइंग। ब्लैक मैम्बा। जब भी किसी दूसरे स्नेक को ब्लैक मैम्बा के कंपैरिजन में रखा जाता है तो वो सांप इसके सामने कुछ भी नहीं है, जिनकी लेंथ 14 फीट तक हो सकती है और इसका वेट 3.5 पाउंड तक हो सकता है। शायद आप बिलीव न करें कि ब्लैक मैम्बा का कलर ब्राउन होता है। इसे ब्लैक मैम्बा का नाम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि इसके माउथ की अंदर की साइड ब्लैक एंड ब्लू होती है। ये स्नेक वैसे भी हाईली अग्रेसिव होते हैं, जिन पर रॉन्ग साइड पर जाना कोई भी नहीं चाहेगा। ये स्नेक आज तक काउंटलेस ह्यूमन डेथ्स का रिस्पॉन्सिबल है और इसे दुनिया का खतरनाक तरीन सांप भी माना जाता है। इसे आप रॉकी हिल्स ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर और सवेनास के अंदर देख सकते हैं। इसे अफ्रीका के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक माना जाता है और फास्टेस्ट भी। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 12.5 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ क्रॉल कर सकता है। ये किसी भी चीज पर अटैक करने के लिए सबसे पहले अपने सर को जमीन से ऊपर उठाते हैं और फिर हिसिंग साउंड देना शुरू कर देते हैं। इसकी हर बाइट डेडली है, इवन इसे फैटल कहना चाहिए। जो एक दफा इस स्नेक से काटा गया उसकी 20 मिनट के अंदर मौत वाकई हो जाती है अगर जल्द से जल्द एंटी वीनम इस्तेमाल न की जाए। स्क्रब पाइथन। आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि हमने एक नॉन वेनमस स्नेक को अपने डिस्क के अंदर क्यों शामिल किया, राइट? लेकिन ये स्नेक किसी डायनासोर से कम टेरिफाइंग नहीं है। इन्हें एमिथिस्ट 3 पाइथन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाया जाता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी के अंदर। इसे दुनिया के 6 लार्जेस्ट स्नेक में से एक माना जाता है, जो कि 28 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकता है, लेकिन इनका एवरेज साइज 16 फीट ही मयर किया गया है। सो ये स्मॉल तो बिल्कुल भी नहीं है। इस ह्यूज स्नेक की डाइट के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसके अंदर रैट्स, बैट एंड ऑपसम्स शामिल हैं। इस साल के अंदर स्क्रब पाइथन ने एक 4 साल के बच्चे की जान ले ली। अफसोस कि उसका फादर उसे 15 फुट स्नेक से नहीं बचा पाया। इनके अंदर आपको हर्ट करने के लिए वेनम तो नहीं होता, लेकिन जब ये किसी चीज की बॉडी को कॉइल कर लेते हैं तो फिर उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और फिर उस चीज का दम घुट कर ही रह जाता है। द सास्केल्ड वाइपर। अगर आप कहीं भी इस जैसे सर वाले सांप को देखें तो उससे बहुत बहुत दूर रहें। इसे भी वेनमस स्नेक की 8 स्पीशीज में से एक वेनमस स्नेक माना जाता है, जो कि एशिया, अफ्रीका एंड अरेबिया के ड्राई सवेनास के अंदर पाया जाता है और हाँ श्रीलंका के अंदर भी। इनकी शॉर्ट थिन टेल होती है जिसके ऊपर रफ स्केल्स बने होते हैं। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो ये 3 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकते हैं। इनके ऊपर ग्रे, ब्राउन और ऑरेंज कलर की शेड्स भी हो सकती हैं, जिसके ऊपर ब्लॉचीज और लेटवर्ड स्पॉट्स बने होते हैं। इन सारी चीजों को अभी नोट कर लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको ये सांप काट लेता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इनके काटने पर इंतहा का दर्द फौरन से पहले शुरू हो जाता है। इस स्नेक से काटे जाने के बाद हाइपोवोलेमिक शॉक, जो कि इंटरनल ब्लीडिंग के साथ होती है, और इसके साथ शदीद किस्म का किडनी फेलियर भी हो सकता है। जिस शख्स को भी ये काट ले उसके लिए जरूरी है कि वो जल्द से जल्द एंटी वीनम यूज कर ले, वरना शख्स की गेम ओवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
बोआ कंस्ट्रिक्टर। ये स्नेक कितना डेंजरस है आप ये किसी मंकी या बर्ड से जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन फॉर्चुनेट है जो कि इसके मेन्यू में शामिल नहीं है, जो कि पाया जाता है ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर। बोआ कंस्ट्रिक्टर 13 फीट की लेंथ तक ग्रो कर सकते हैं, जिनका वेट 100 पाउंड तक हो सकता है। इनके वेट की वजह से ये लाइट स्नेक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये स्नेक भी एक्सीलेंट स्विमर है। अगर ये जमीन पर रहे तो ये हॉलोज एंड मैमल ब्रोज के अंदर रहना पसंद करता है, लेकिन इनकी नेचर किसी को भी फूल बना सकती है। इनके मजबूत जबड़ों के अंदर दांत प्रे को ग्रैब करने में मदद देते हैं, और ये भी अपने शिकार की बॉडी को क्वाइल कर लेते हैं और उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो जानवर मुकम्मल तौर पर अपना सांस न रोक दे। और मजीद ये कि ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपने कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि रेड येलो टेन या ग्रीन हो सकते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ लाइंस भी बनी होती हैं। ये एक ऐसा स्नेक है जिसे कोई भी टकराना पसंद नहीं करेगा। येलो एनाकोंडा। अपने रिलेटिव ग्रीन एनाकोंडा की निस्बत येलो एनाकोंडा बहुत स्मॉल ग्रो करते हैं, लेकिन ये स्नेक भी कोई लेस टेरिफाइंग नहीं है, क्योंकि इनकी लेंथ भी मैसिवली 15 फीट तक हो सकती है। इनका वेट भी 77 पाउंड्स तक हो सकता है। ये सदर्न साउथ अमेरिका के अंदर अबंडेंस में पाया जाता है, और इस एरिया के अंदर इन्हें पैराग्रेन एनाकोंडा भी कहा जाता है। ग्रीन एनाकोंडा की तरह ये कोई वेनमस स्नेक तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसके कभी नजदीक नहीं जाना चाहेंगे। जिस वर्टिब्रेट को भी पकड़ सकते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ये कैपाबैरा और दूसरे सांपों को भी शिकार करते हैं, और फिश से लेकर एम्फीबियंस तक इनके प्रे के अंदर आते हैं। ये अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। अगर ये किसी एक लार्ज एनिमल को खा लें तो ये हफ्तों इवन महीनों तक बगैर खुराक के गुजारा कर सकते हैं। ये इनके लिए एक पर्टिकुलरली लार्ज डिनर साबित होता है। गुड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अख्ताम यहीं पर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल AMG फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।